एक एक करके मैं क्वेश्चन का हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। यस जैसे सर। विनायक ने बोला था कि सर 7 ही क्वेश्चन चाहिए, 7 से एक ज्यादा नहीं चाहिए, तो भाई साहब मैंने एग्जैक्टली 7 दिए हैं आपको। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन था, वेक्टर था, 3 वेक्टर्स थे, उनका ये था बॉक्स था, इज लेफ्ट हैंडेड। यस लेफ्ट सर। हैंडेड का मतलब बेटा इनका बॉक्स कैसा आएगा, लेस देन जीरो। बस लेस देन 0 करके सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता हाँ आपका। जी। यहाँ पे था ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, बी सी ए, बी सी ए, सी ए बी। आप देख सकते हैं बेटा ये डब्बा बनेगा, ये हाँ जी डब्बा बनेगा। बनेगा। देखिए एक यस चीज बता रहा हूँ ना, सर। कई बच्चे मेरे से पूछे नहीं, अगर पूछते तो अच्छा लगा रहता मेरे को, कि सर आपने वेक्टर में प्लस सिखा दिया, माइनस सिखा दिया, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, नहीं सिखाया। डिवाइड नहीं सिखाया आपने। क्या आप जानते हो डिवाइड क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं आते हैं? आप लोग बताइए डिवाइड क्यों नहीं होता है वेक्टर? हाँ जी बेटा, देखिए सीधा सा बात ये है कि फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो या केमिस्ट्री में, तो आपको सर लोगों ने सजेस्ट किया रहेगा कि आप डेटा को जो भी सॉल्व कर रहे हो ट्राई करो कि यूनिट उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स में आ गए। बोले यस कि सर। अगर कोई ये मीटर दिया है, प्रूवल केजी दिया है, तो ट्राई करो सबके स्टैंडर्ड यूनिट्स में आने को। क्यों ऐसा, यूनिट में क्यों लिया जाता है बेटा? ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं रहेंगे तो सर डेटा एरर हो सकता है। अब मान लीजिए वेक्टर है, वेक्टर में आता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो फिर भी हम डिवाइड कर लेंगे। मैं बोलूंगा कि 10 मीटर वेस्ट और 5 मीटर साउथ, कर दीजिए डिवाइड। होगा नहीं नहीं होगा? होगा। यू कैन डिवाइड मैग्नीट्यूड ओनली, आप इसको डिवाइड कर सकते, ये डायरेक्शन कब से डिवाइड करने लग गए आप? इसलिए वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, बात समझे? अब यहां पे आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर ऊपर भी वेक्टर है नीचे भी वेक्टर है, तो इनका डिवीजन अब आपने क्यों दिया? तो बेटा समझने वाली बात ये है कि ये वेक्टर्स नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट आपका वेक्टर नहीं होता है। उधर भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, ये एक डब्बा आएगा डिटरमिनेंट, मालूम ना आप लोगों को, सिर्फ एक हाँ डब्बा है, तो ये डब्बा मतलब एक नंबर है और नंबर को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्लिक बस ये था कि आपको एक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हुए देखना था कि सर किसका आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देख सकते बच्चा लोग कि ए बी सी और बी सी ए क्या सेम है कि एक दूसरे के जी। नेगेटिव यस आते हैं? सर। सर सेम है कि सेम नेगेटिव? है। पक्का? यस सर। बिल्कुल जी। यहां पे बात कर लेते हैं, बी सी ए और सी ए बी ये भी है। नो क्या सेम है? सर। सर नहीं, सेम डिफरेंट है। है। ज्यादा है तो क्या करने का, एक सर्कल बनाकर देख लीजिए बच्चे लोग, सर्कल यस बनाकर सर। देख लीजिए, ए हो गया यहाँ पे, बी हो गया यहाँ पे और सी हो गया यहाँ पे, ये डायरेक्शन मेंटेन कर लीजिए डायरेक्शन को। सो ये कौन सा है, बी सी ए, बी सी ए और सी ए बी दोनों सेम आएंगे। ये यस आ सर। रहा है बेटा सी बी ए और ए बी सी, देखा आपने सी बी ए, ये देख लो सी बी ए और ए बी सी, ये एक चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा चल रहा है क्लॉक, क्लॉकवाइज। इसका मतलब समझे? हाँ सर, ये एक दूसरे के नेगेटिव आंसर आएंगे। तो इसका आंसर क्या होता बेटा? 1। इसका आंसर क्या होता? 1। इसका आंसर होता माइनस, वन ओवर माइनस क्या वन होता बच्चा लोग? सर। वन, वन आता माइनस वन, वन आंसर आ जाएगा। बात सर। समझ, ये ऐसे हो जाएगा आंसर। बस हो गया खत्म, सॉल्व थोड़ी करना था यार, मैं यस क्वेश्चन सर। दिया हूं ये देख करके कि आप लोग यही समझो कि 1 घंटे में इतने ही सम हो जाएंगे, होने तो ज्यादा हो सकते थे लेकिन मैं समझा रहा हूं इसलिए कर पा रहे हैं। हाँ जी, ये था बेटा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए ए बी। प्लस बी सी। यस सर। वैसे इसका सॉल्व करने का टेक्निक ये है बच्चा लोग कि इसको आप बॉक्स प्रोडक्ट में लिख दीजिए। बॉक्स प्रोडक्ट में अगर मैं बोलूंगा लिखकर दिखाया, तो कैसे लिख सकते हैं आप लोग? अगर डब्बा बेटा ये, आप लोग क्या लिखोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आप उसी हिसाब से इसको भी वही मान लीजिए कि सर ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, ये हमारा है सी, तो इनको आप बॉक्स में बंद कर दे तो क्या होता था बेटा, ए ए प्लस प्लस बी बी, वेक्टर डॉट बी बी प्लस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस क्रॉस सी, सी प्लस ए वेक्टर। इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, तो कर लोगे ना? यस सर। कर लेंगे। हाँ जी, अब आते हैं बेटा यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड फॉर्मड बाय वेक्टर्स, कुछ कुछ वेक्टर दिया है, बिकम्स मिनिमम।
देखिए ये सवाल आपको लग रहा है वेक्टर का, लेकिन एक्चुअली में दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कोई बच्चा है मुझे बताएगा सर ये मिनिमम कैसे फाइंड किया जाएगा। कोई भी आप डब्बा बनाएंगे, आप डब्बा बनाएंगे तो लेस देन जीरो करेंगे। किस क्या लेस देन जीरो करेंगे बेटा? मतलब जो डिटरमिनेंट बनाएंगे ना हम इनका, डिटरमिनेंट लेस देन जीरो करके आप मिनिमम नहीं बता सकते। हाँ जी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन एक फंक्शन को आप ग्रेटर देन लेस देन करके क्या बता सकते हैं? वॉल्यूम। सोचिए कि आपको वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है। कौन सी चैप्टर में पढ़े हो किसी को मिनिमाइज करना मैक्सिमाइज करना? एओडी, एओडी में पढ़े हैं। अभी क्लिक किया आप लोगों की आपने पढ़ा है एओडी में, तो आपका जो भी यहाँ पे मतलब डब्बा बन के आएगा जो सॉल्व करोगे आप, उसको क्या करना था बेटा? वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है। तो जो वॉल्यूम आता है वो आप मिनिमाइज कर देते, मतलब डिफरेंशिएट कर देते, आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ए के रिस्पेक्ट में, डीवी बाई डीवी कर लेना जो भी आएगा आंसर, और डीवी बाई ए। आपको मालूम है ना बेटा कि अगर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को टच करते टाइम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो बनता ही बनता है। समझ गए? तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके आप जीरो कर देते आंसर आ जाता। बात समझ में आ गया? यस सर। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सिर्फ इसके लिए होता है ताकि आप मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड कर पाओ। इस बात को ध्यान देना, काम में आता है फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव इसलिए निकालते हैं ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है कि मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अब जब क्वेश्चन वाला सामने से ही बोल रहा है आपको कि बेटा मिनिमा दो या मैक्सिमा दो, तो सेकंड डेरिवेटिव के पास जाने का कोई है? आपको लग रहा है सर ये जाना उचित रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो नॉनसेंस ही बात हो गई। आपको सीधा सीधा बोल रहा है मिनिमम वैल्यू बताइए। जब बेटा मिनिमम वैल्यू बताना है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव, मुझे मालूम है सर कोई फंक्शन मैक्सिमम टच करेगा मिनिमम टच करेगा एक बार उसका डेरिवेटिव जीरो बनेगा ही बनेगा, तो बस फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर देना आंसर आ जाएगा। कमिंग टू द सेकंड वन, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैसे आप लोग सोच सकते हैं बेटा लोग कि इसको बॉक्स में कैसे लिखोगे आप लोग? आपको बस ये देखना है कि आप ये बॉक्स प्रोडक्ट में भले ही स्केलर प्रोडक्ट हो या वेक्टर प्रोडक्ट हो, आप लिखते कैसे हो? डब्बा लिख लिया, सॉल्व कर लिया, गेम ओवर हो जाता है। यहां से कैसे लिख सकते हैं बच्चा लोग आप लोग? ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ऐसे लिखोगे ना? यस सर। अब ये देखिए, अब ये जो है बच्चा लोग ये है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, देख पा रहे हैं सर कि ये एक वेक्टर, एक वेक्टर, इसमें आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आंसर ला दिया आपने। समझ गए? अब इसको सोचना पड़ेगा सर ये कैसा होगा। तो इसको आप लोग दो तरीका से करेंगे, एक आप इसको यूज कर लीजिए। इसको यूज करने का तरीका क्या है बच्चा लोग बोलिए? इसको कैसे यूज करेंगे आप बेटा? यही तो सिखाएगा आपको ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए बी साइन थीटा, साइन थीटा, तो वहां से ये यूज। एक तरीका है कि आप वैसे यूज कर लीजिए, दूसरा अभी मैं आपको बताऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहला तरीका इसमें आपको डॉट ये स्केलर प्रोडक्ट से सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरा, दो मेथड से बनाइएगा इसको आप लोग। सेकंड पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी इक्वल टू माइनस टू, मतलब ये डब्बा दे दिया ऑलरेडी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये कुछ ऐसा दिया है। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर अगर मैं गलती से डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज लगाना शुरू किया तो बहुत गंदा पिट जाएंगे? आपको बताया था ना वो डब्बा बहुत ज्यादा बन रहा था, ये ऐसा ऐसा कितना जल्द स्प्लिट हो रहा था, ऐसे करके इतने सारे ओपन हो जाएंगे कि सर हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने आपको एक बेसिक सा फंडा बताया कि अगर बेटा आपको कोई भी वेक्टर अपने बेस फॉर्म में दिया हो तो आपको क्या करना है, उनके कोएफिशिएंट का डब्बा बना लीजिए और बेस वेक्टर का एक साइड डब्बा बना लीजिए। बात समझ में आ गया? डिटर्मिनेंट ये किसका है बच्चा लोग? ये उनके कोएफिशिएंट का डब्बा है और ये कौन से बेस वेक्टर है, उस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो बेटा डब्बा किसका बनाओगे आप लोग इनके कोएफिशिएंट का? तो फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स कौन कौन से आएंगे? 1 2 माइनस 1, वेरी गुड, 1 2 माइनस 1। सेकंड में क्या आएगा बच्चा लोग? 1 माइनस 0 0, एंड थर्ड में कौन सा आएगा? 1 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
ये आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर दिया है माइनस टू, रखोगे आंसर आ गया, ठीक है बच्चे लोग। हाँ जी सर, आते हैं बच्चा ये वाले में, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सॉरी अल्फा बीटा गामा कुछ ऐसा दिया है, एंड ये बॉक्स दिया है कुछ वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो एक बात बताइए कि अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा लोग? सर सी वेक्टर, सी वेक्टर ए बी का वैल्यू इसका वेक्टर है, वो तो एक्सप्रेस हो गया अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में, देख रहे हो आप, इनकी बेस वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया आपने सर। समझो जरा मैंने क्या बोला, कितने लोग देख पा रहे हैं सर, यहां से अल्फा आ रहा है, यहां से बीटा इंटू सम वेक्टर प्लस गामा इंटू सम वेक्टर, आया कि नहीं आया? यस सर। देखा बेटा, इसको आपने क्या बोला सी वेक्टर, yes, sir. इसको आपने क्या बोला ए वेक्टर, इसको आपने क्या बोला बी वेक्टर, बी वेक्टर, अल्फा सी बीटा बीटा ए ए और गामा गामा। जरा याद कीजिए कि क्या इसका, अब देखिए बेटा ए वेक्टर आपको ऐसा दिया है, इसका डब्बा आप लोग बना पाएंगे? बना इस वेक्टर के फॉर्म में दिया है, याद कीजिए कि मैंने एक चीज बताया था आपको यहां से कि अगर मल्टीप्लाइड है तो कुछ चीजें आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं। यस सर। ट्राई करना, ये फंडे पे भी बन सकता है वो, ठीक है। दूसरा तरीका भी है इसका, दूसरा तरीका क्या है बच्चा लोग, कि आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जरा बताइए कैसे करेंगे आप लोग सॉल्व, एनीवन प्लीज। स्क्वायरिंग का फंडा याद है? याद है, तो ला सकते स्क्वायर करके भी तो ला सकते हैं ना आप लोग। ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा देखो आंसर कुछ दिया है, आंसर दे दिया हूं, ट्राई कीजिएगा, फाइट मारिए, नहीं होगा मैं संभाल लूंगा, ठीक है। हाँ जी सर, आते हैं लास्ट टॉपिक अपना, फंडा बहुत ही सिंपल है सर, लास्ट टॉपिक कौन सा है बच्चा लोग? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है, क्वेश्चंस इसमें डरावने डरावने से बनते हैं, लेकिन डरा नहीं जाता है क्योंकि इसमें एक रूल चलता है, वो रूल को फॉलो किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा रहेगा तो रूल ही आप लोगों को याद रहेगा, याद है आप लोगों को? कौन सा वाला? कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक ही रूल तो फॉलो करता है, एक ही फॉर्मूला है उसका। चलिए जी आगे शुरू करते हैं, पहला चीज कि सर लिखा कैसे जाएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है बेटा कि दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, दो वेक्टर के बीच में उनका क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। गलती से भी ये मत करना सर, एक नंबर ले लेना और एक वेक्टर लेना, बोलना सर ये लो क्रॉस कर दो, आपको चार ऑप्शन दिया था याद है? यस सर। बाकी बेटा ध्यान देना, उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है, डॉट और क्रॉस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा लिखा कैसे जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, समझ गए? अब मुझे कोई बता दे कि ये होता क्या है सर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है? डॉट तो बहुत आसान था, आप लोगों ने डब्बा बना लिया और बोल दिया सर ये होगा, अब बताइए सर ये क्या होगा? अब इसमें डिटरमिनेंट बनेंगे? ना जी, डिटरमिनेंट बिल्कुल नहीं बनेगा, ये डिटरमिनेंट बनता ही नहीं है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। किसी को याद है बच्चा लोग कैसे सॉल्व किया जाता है इसको? वेक्टर जिसने पढ़ा रहेगा उसको याद रहेगा, सोचिए। चलिए आपको याद ऐसा नहीं करना है, आपने याद एबीसी से करोगे तो ऐसे ही भूल जाओगे, भूले नहीं हो, जरा दिमाग पे जोर डालोगे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन कोई ना। देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग कैसे याद करोगे बेटा? 123 है जी, देख रहे हो ना 123। यस सर। आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, 132 माइनस 123, क्या लिखोगे आप लोग? 132 माइनस 123। फर्क रहेगा एक चीज का कि सर इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा क्या, बताइए जरा? डॉट करेगा, अब एग्जिस्ट करेगा डॉट, डॉट, समझ में आया? तो इस हिसाब से जरा ऊपर वाला बताएंगे आप लोग, वन सी ए डॉट सी, ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी और डॉट बी और फिर डॉट सी डॉट सी डॉट सी, समझ में आ गया आप लोगों को?
यही फंडा चलता है बेटा, और ये बन जाएगा, बना लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी? यस सर। तो आप लोगों ने क्वेश्चन तो किया ही रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट पे कि नहीं किया है? सर स्केलर प्रोडक्ट ही पढ़ा था जहां तक मेरे को याद है। क्या पढ़ा था? पढ़ाया सर, पढ़ाया था वैसे सर ने, पर दो तीन सर स्केलर तक याद मुझे, वेक्टर प्रोडक्ट याद है ना आप लोगों को? अच्छा ये सीख गया ना, छोड़िए ना आप, जो हो गया हो गया बेटा। इसको ऐसे लिखना है क्या आपने सीखा, याद रखिए 132 माइनस 123, 132 123 ऐसे याद रखना है। और क्रॉस किससे चेंज हो जाता है? डॉट से। डॉट से बिल्कुल सर, ये फंडा है। तो बेटा जल्दी जल्दी एक सम कर ले हम लोग। यस सर। ठीक है जी। अब बेटा वापस से जैसे ही आप डॉट करोगे ना, ये क्रॉस का फंडा वही आई जे के बनेगा, के आई जे बनेगा, जे आई माइनस के बनेगा, टोटल प्योरली क्रॉस और डॉट का फंडा चलने वाला है अभी। तो जो आपने पीछे सीखा है उसी का यहाँ पे यूटिलाइजेशन है और कुछ नहीं। आप ये भी मान सकते हैं कि उस वेक्टर का वो जो चीज है उनका रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे देता हूं बेटा, लो क्वेश्चन से ही समझ जाओगे और कोई नहीं। लिखिए जरा, लिखते जाइए, सॉल्व करेंगे तो और अच्छा रहेगा। फॉर एनी वेक्टर ए आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस में के वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस के कैप इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर, फाइंड लेमडा। जल्दी से मेरे को दो मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक काम कर गया है, बस गिव मी वन मिनट। आंसर लेमडा का आंसर कितना है बच्चा लोग? थ्री आया सब लोगों का, थ्री आया। दो चार लोग और बोल दीजिए सर, दो मिनट अभी और। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, टाइम नहीं है एक्चुअली में बच्चा लोग। देखिए बेटा फंडा सिंपल है कि एक अपना वेक्टर प्रोडक्ट है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 132 माइनस 123 जी। तो जरा इसको बोलिए आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया था। आई क्रॉस आई, क्रॉस क्यों, आई डॉट आई सर, हाँ आई डॉट आई, आई डॉट आई डॉट वन थ्री टू डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस आई डॉट ए डॉट आई, आई डॉट ए डॉट आई, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट वाला, और जे डॉट जे डॉट आई, ए डॉट जे डॉट ए आएगा, डॉट ए माइनस माइनस जे डॉट ए डॉट ए डॉट जे आएगा, जे आएगा जी बिल्कुल। फिर के वाला ब्रेक कर देंगे आप लोग, क्या बन जाएगा, के डॉट के डॉट के ए, फिर माइनस माइनस के डॉट ए डॉट के डॉट के इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए लैम्डा ए वेक्टर। हाँ जी, थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिए, वैसे आप लोग जानते भी हो कि आई डॉट आई क्या होता है बच्चा लोग, वन वन आता है, इधर वन, इधर वन, और ये पार्टी में वन बन गई। वन बनते के साथ आपको दिख जाएगा सर ए ए ए, मतलब थ्री ये दिखा सब लोगों को, ये सर यहाँ से देख सकते हैं बच्चा लोग, ये ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये थ्री ए वेक्टर्स हो गए। और जो बच गया उसको जरा ध्यान दीजिएगा, बचा है बच्चा लोग आई डॉट ए वेक्टर, ये वेक्टर है, इंटू आई कैप, मैं माइनस कॉमन लेके लिख रहा हूं, प्लस में जे डॉट ए वेक्टर डॉट जे, प्लस में क्या आएगा बच्चा लोग, माइनस डॉट ए वेक्टर डॉट के, इसका वैल्यू मुझे कोई बता सकता है पूरे का? सर जीरो आएगा ना, दिमाग लगाइए बेटा, ध्यान देने वाली बात ये है, सुनिएगा ध्यान से आप लोग, पहले मुझे ये आंसर ये बताइए कि बेटा ये आंसर एक वेक्टर देगा कि कांस्टेंट देगा? कांस्टेंट। डॉट लगा डायरेक्शन ही खत्म हो जाता है, सिर्फ एक नंबर देके चला आता है। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं बेटा कि ये कुछ कांस्टेंट देगा, लेट्स से कि इसने दिया के, इसने दिया एल और इसने दिया एम। मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि यही आंसर है, कुछ भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, माइनस भी, जो मर्जी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा फॉर्म क्या बनेगा इसका,
के आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस एम की कैप, क्या मैं उसको ए वेक्टर लिख दूंगा तो कोई तकलीफ आपको? क्यों आप के एल एम के किसी भी वैल्यू के लिए आप इस वेक्टर को ए वेक्टर लिख सकते हो, लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल ने दिया है फॉर एनी वेक्टर ए। बात समझ में आई सर? यस सर। जो मर्जी आ जाए ये कांस्टेंट सर हमारे लिए, वो क्या बनेगा बच्चा लोग? ए वेक्टर। ए वेक्टर। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं बेटा लोग, आ गया a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर। सो ये उड़ा मत देना ना, कोई उड़ाएगा नहीं। नहीं नहीं, लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाएगा। कंपेयर हो सकते हैं? यस सर, लैम्डा की वैल्यू 2 है। लैम्डा की वैल्यू 2। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। आंसर बच्चा लोग बहुत बड़ा क्या ही लग गया सर, उसमें वही सिंपल सा फंडा 1 1 3 2 1 2 3। हर कहानी में यही चलेगी, हर कहानी में यही एक ही एलिमेंट वाला बताने पर। देखो बेटा ये आप जानते हो कि आई डॉट ए, ए एक वेक्टर है, उसका आप डॉट ले रहे हो आई के साथ, तो हो सकता है कुछ नंबर आ जाए जी। अब वो ए वेक्टर तो कुछ भी है ना, ये सर नंबर पे आप आई कैप वापस लगा रहे हैं, Yes, ये नंबर पे आपने जे कैप लगा दिया, ये नंबर पे आपने के कैप लगा दिया, तो आप ये देख पाए कि ये पूरा आंसर एक वेक्टर आने वाला है। और मैं हर टाइप को वेक्टर को नाम क्या दे रहा हूँ? ए वेक्टर। नहीं समझे? समझ गई। मैं लिखा है ना फॉर एनी वेक्टर ए, इसका मतलब बेटा ए वेक्टर कुछ भी ले सकते हो आप, जो मर्जी लो। ओके, अगर मैं हाँ जी अगर मैं ना दिया होता ना ऊपर की नहीं लेने को भी वेक्टर, पूछता ही नहीं, तो पूछता ही नहीं, नहीं पूछता आपसे। ठीक है, आप ये मतलब इसका आंसर आप नहीं लिख पाते ना उस टाइम पे, आप यहाँ पे आके ऐसा मत सोचिए कि हर चीज जीरो हो जाएगा। जैसे कशिश ने बोला सर ये जीरो कर दो, बेटा किस बेसिस पे जीरो करें हम? नहीं कुछ तो होना चाहिए। यस सर। हाँ जी, अब और जरा एक दो क्वेश्चन कर ले। यस सर। यस सर। जरा कर लीजिए, ये करो बेटा, जरा प्रूफ करके दिखाइए, दो चार सवाल कराऊंगा बस गेम ओवर है इसका, वेक्टर खत्म। प्रूफ कीजिए जरा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, इसका वैल्यू होता है ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, टाइम है आपके पास 3 मिनट्स, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। मेरा टाइम है 3 मिनट्स बेटा, 3 मिनट में निपटा दो, करना ही क्या है। बड़ा क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया। मैं दूसरा क्वेश्चन, यस सर इसको सॉल्व कीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। फिर एक बार वैसे रहना क्वेश्चन। ओके सर।
हाँ जी बच्चा लोग, टाइम ओवर, अब बताइए कितने लोग बना लिए, बच्चा लोग हाँ जी सर अलग अलग करके कर सकते हैं, आपने कर दिया अलग अलग कर दिया इसको, नहीं अलग अलग कैसे करोगे आप, पहले इसको बॉक्स में दिया है ना, तो पहले आप इसको स्केलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे सर, ये भी साइन थीटा लिख दिया अपने, और ये बाप रे इतना खतरनाक काम कर दिया, मैंने ए क्रॉस बी को सी लिख दिया, वाह ये हमेशा नहीं लिख सकते बेटा, सामने वाला को देना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर है, कुछ दिया है इसने डेटा वगैरह, आप वो तब लिख सकते हो जब दिया रहेगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ दिया रहेगा तो। चलिए मैं समझ गया आप लोगों ने जादू किया रहेगा, अब मेरा जादू देखिए क्या करते हैं। हाँ पहले मुझे ये बताइए बेटा कि अगर ये कल के दिन कुछ ऐसा आ जाता है, सिर्फ ए होता और सिर्फ बी होता और ये सिर्फ सी होता, तो इसको बॉक्स प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं आप लोग, सी ए मतलब ऐसे लिखते ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डॉट विद इनके साथ, मतलब क्या हो जाता, डॉट विद बी क्रॉस सी क्रॉस क्रॉस सी क्रॉस ए। अब वापस से कहानी सर थोड़ा गड़बड़ हो रही है, इधर चार चार क्रॉस आ गया, अभी क्या करें अपन लोग, तो एक काम करो ना, आपको तकलीफ है तो बेटा कुछ मान लो उसको, किसको मानना चाहोगे आप, मान लिए कि ये हमारे लिए अल्फा है बीटा है जो मर्जी मान लो, अब जैसे ही अल्फा हुआ आपके दिमाग में चमक करेगा सर तो अभी आसान हो गया, अल्फा रखने से फायदा क्या हुआ बच्चा लोग, अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सवाल बन गया, तो अभी आपका पूरा गेम कहां पे चला गया कि सर इसको सॉल्व करके दिखाओ, अल्फा क्रॉस सी क्रॉस ए वेक्टर, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा बताइए, अल्फा डॉट अल्फा क्रॉस डॉट ए डॉट लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन चल जाए, डॉट ले लिए ले लो सर, क्योंकि अल्फा एक वेक्टर ही ना, ये दोनों वेक्टर आंसर देंगे, डॉट ले सकते हैं आप, डॉट में क्या लेंगे बच्चों, सी मतलब 1 3 1 3 2 1 2 3 माइनस अल्फा डॉट सी डॉट ए डॉट ए यही आएगा जी, यस यही आएगा। अच्छा अब बताइए बेटा ये यहाँ पे डॉट है, आप लोगों ने बोला है डॉट है, ऐसा आप लोगों ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है, इन्हीं सेम चीजों का अल्फा की जगह पे अभी आप क्या रखते, बी क्रॉस सी, अल्फा की जगह पे क्या रखते हैं आप लोग, बी क्रॉस सी, वेरी गुड, और यहाँ पे क्या रखते हैं आप लोग, मैं रख के दिखा रहा हूँ देख लीजिए, जब रखेंगे बच्चा लोग तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट विथ ए, और ये डॉट हो रहा है सी के साथ, माइनस में सी के साथ, बी क्रॉस सी डॉट विथ सी डॉट सी होल डॉट ए, ये पार्टी का वैल्यू बताएंगे मुझे, बेटा इसको डब्बे में कैसे लिखोगे, डब्बे में लिखेंगे तो लिखेंगे, आपको लग रहा है इसको डब्बे में लिखेंगे तो सी दो बार आएगा, हाँ जी पूरा पार्टी क्या होगा, जीरो, डब्बे में रोज एंड कॉलम आइडेंटिकल दिख जाएंगे ना, यार सिखाया था पूरा मेहनत बर्बाद कर दिया आपने, बताओ याद आया कि सर ये पूरा पार्टी का, याद आ गया सर क्वेश्चन, यस सर यस सर, याद रखिए बॉक्स में अगर दो बार सेम चीज आइडेंटिकल होंगे तो पूरा खत्म हो गया सर, बात समझ में आ गया, यस सर क्या किया जाएगा बेटा लोग, ये बच गया आपके पास, सिर्फ यही बचा है ना, यस सर ये बचा है, और कुछ बचा है नहीं, बाहर में एक क्रॉस बी बचा है, मतलब ओवरऑल क्या बचा वो ध्यान दीजिए, ओवरऑल बच गया आपके पास ए क्रॉस बी डॉट विथ बी क्रॉस सी डॉट ए डॉट विथ ए एंड क्रॉस में सी डॉट सी, ये बचा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, गिव मी सम हिंट, गिव मी सम आइडिया कैसे किया जाए सर इसको, कोई बच्चे के दिमाग में आ रहे सर बॉक्स बना लीजिए, टारगेट क्या है सर, टारगेट अपना ये वाला ए बी सी का स्क्वायर बनाना है, और तो सर उसी से बनेगा ये, हाँ जी सर उसको ए ले लेंगे क्या, जब ब्रैकेट में सर इसने डिटरमिनेंट में लिखेंगे ना, बिल्कुल, कितने लोग बेटा लोग ये देख पा रहे हो कि सर ए बी सी और बी सी ये तो आपने सेम पढ़ाया था,
याद करो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ये तो तीनों सेम है, तो बॉस ये बना क्या, ये क्या बना, डब्बा ही ना बना, ए क्रॉस बी डॉट सी बी सी ए, ये तो डब्बा बना ना आपका, ए डॉट ए बी सी, ऐसा वाला डब्बा, ऐसा वाला डब्बा, यस सर यस बेटा, ए बी सी बी सी ए तीनों सेम होते हैं, तो ये तो बन रहा डब्बा आपका इधर से बी सी ए, यस सर, ये पार्टी बच रही है सर, ए बी सी आई नहीं सर, डॉट सी सर आ गया, तो कितने लोग देख पा रहे हैं सर, स्क्वायर हाजिर है आपके सामने, यस सर, देखिए कुछ जादू नहीं करना है, ये पहले बात, ये बात समझ लीजिए कि डॉट है इनके बीच में, तो ये कम्यूटेटिव है सर, इधर उधर लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं जरा इसको खूबसूरत बना देता हूँ ताकि आपके लिए भी अच्छा हो, इधर बन रहा बेटा ए क्रॉस बी बन गया डॉट सी, दिखा, हाँ जी सर दिखा, यस सर, यहां से लिख लीजिए ए डॉट बी क्रॉस सी, या उल्टा भी लिखते तो वही चाह, और कुछ नहीं आएगा, बी सी ए इज सेम एज ए बी सी, सो यहां से हो गया सी, और यहां पे था सी वेक्टर, बात समझ में आ गई, यस सर, यस सर, बेटा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, दिखा आपको यहां से ए बी सी दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, यहां से दिख रहा है बॉक्स, दो दो बॉक्स दिखे, सिर्फ दो लोग जवाब दे रहे हैं, दो रहे बेटा लोग क्या कर रहे हैं सर, उसको तो बाहर ला देना पड़ेगा ना, कम्यूटेटिव है तो लाके तो खत्म कर देंगे ना गेम को, हाँ हाँ तो बन गया ना, यस सर, नहीं सर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो वापस ओपन करके देख लीजिए आप दो दो बार खुश हो जाएंगे, ना ना सर क्या बोला सर, वापस समझिए, देखिए बेटा इसका डॉट इसके साथ लोगे, यस सर, ये जीरो बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, ए क्रॉस बी डॉट ए जीरो, हाँ सर जीरो, अच्छा यहाँ पे ये पार्टी भी जीरो, तो अपने कहानी में सिर्फ यही बचते ना यार, यही बचते, दिमाग लगाइएगा, मुझे स्क्वायर दिख गया दूर तक, मेरे को स्क्वायर दिख गया है, ठीक है, और आप लोग भी दिमाग लगा लीजिए सर क्या बोला है, ओपन करके देखिए आंसर यही आएगा, यस सर, बेसिकली ये बताने का पर्पज क्या है मेरा, कि जब भी बेटा डर लगे तो उसमें डरने की बात नहीं, उसको कोई सिंगल वेक्टर रख दो, क्योंकि एट द एंड बेटा ये क्रॉस होकर एक वेक्टर ही देंगे ना, तो मान लो कोई वेक्टर है, आपकी मर्जी है, उसमें क्या ही तकलीफ है, बात समझते हो, अच्छा इससे इंपॉर्टेंट बेटा ये है इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस को समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हमने डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस सीखा, बताइए जरा, यस सर, डॉट प्रोडक्ट किसके काम में आता है, जल्दी जल्दी बोलते जाइए, प्रोजेक्शन एंड लेंथ को निकालने के लिए, याद है निकालने के पैरेललोग्राम जब पढ़ा रहा था दोस्तों, प्रोजेक्शन लेके उसका हाइट निकालते थे हम लोग, यस सर, डॉट प्रोडक्ट किसके काम में आता है बेटा, प्रोजेक्शन और लेंथ निकालने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट किसके काम में आता है, एरिया निकालने के लिए, और जैसे ही हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा आपको एंट्री नॉर्मल करा दिए, वॉल्यूम का कराया ना, एरिया इनटू हाइट से हम लोग डिस्प्लेस किए थे, याद कीजिए मैंने बोला था जी, तो वो हो गया, अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सर क्या बोला, इसका जरा सिग्निफिकेंस समझाइए बेटा, देखो हम लोग समझेंगे क्रॉस से ही, ए क्रॉस बी का जो फोटो बनता है जरा ध्यान दीजिएगा, वो बनता है सर एक दो वेक्टर से, एक वेक्टर कौन सा है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर कौन सा है बी वेक्टर, जो ए क्रॉस बी आता है बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, अग्री करते हो इस बात से, यस सर, तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा ये फोटो आएगा इसका, ये मैं बोल सकता हूं कि सर ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू बी, ए क्रॉस सर विल बी परपेंडिकुलर टू ए, टू ए, क्या ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चा लोग, कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि सर ए क्रॉस बी का मतलब होगा कि ये परपेंडिकुलर टू ए भी होगा, एंड ए क्रॉस बी का मतलब होगा ये परपेंडिकुलर टू बी भी होगा, बी भी होगा, अगर सेम कहानी से मैं पी एंड क्यू से पूछता कि नहीं अब की बार मैं ए बी नहीं ले रहा वेक्टर, अब मैं ले रहा हूं दो वेक्टर्स लाइक पी क्रॉस क्यू, तो क्या होता बेटा कहानी में, पी क्रॉस क्यू दोनों से परपेंडिकुलर होता, देखो फोटो yes, क्यू बनता, लाइन बना दे दोनों yes, से परपेंडिकुलर हो जाता, तो पी क्रॉस क्यू विल बी परपेंडिकुलर टू पी, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर दोनों से ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब सेम लॉजिक से आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताना है सर, क्यू वेक्टर आर वेक्टर नहीं, अरे हाँ सॉरी मैंने आर लिख दिया इधर, अगर ये चीज समझ गए आप लोग, अगर ये चीज आप लोग समझ गए, अब आपको बताना है बच्चा लोग कि ये बला क्या है,
कौन सा सर? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी तकलीफ हो रहा है और कहीं पे दो दो वेक्टर दिख रहे हैं, आपको लग रहा है सर वो एक वेक्टर होगा, तो आप उसको अल्फा मान लो। अल्फा मानूंगा तो आपको क्या दिखेगा? ए वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। दोनों से हुआ कि नहीं? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए वेक्टर? पहला ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर होगा। बी क्रॉस सी, वेरी गुड, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी, यस सर। फोटो कैसा बनेगा ये बताओ, मजेदार चीज तो फोटो बनाना है, तो एक काम करते हैं सर, हमारे पास सर बी क्रॉस सी लिखेंगे ना, उसके ऊपर ए होगा। हाँ रुक जाइए, समझ कर लीजिए, उसका एक और वो निकलेगा। क्या बना, क्या बोला आपने सर? पहले बी और सी वेक्टर लेंगे ना, फिर उनका क्रॉस निकालेंगे, फिर उसके बाद ए ना परपेंडिकुलर बन जाएगा। चलिए मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक? हाँ जी, ये मान लो बेटा, लो प्लेन है ये वाला, ठीक है। अब ये प्लेन में दो वेक्टर्स मान लिया कि सर, एक वेक्टर है आपका ए, ए वेक्टर मान लीजिए कुछ ऐसा है। यस सर, नीचे बनाते हैं इसको, थोड़ा आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जैसा रटे हो वैसा ही रटो। बी वेक्टर ऐसा है, बड़ा इन्हीं वेक्टर को मैं कनेक्ट कर दूंगा, इनके परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ए क्रॉस बी बनेगा ना, हमको बी क्रॉस सी बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, एक वेक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ सी वेक्टर। बात समझ रहे हो? जरूरी नहीं है पैरेलल होगा, ध्यान से समझो। आप रैंडमली कोई दो वेक्टर बना लीजिए, बी ऐसा है सी ऐसा है, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, यहाँ पे कोई ए वेक्टर बना लीजिए, क्या ही तकलीफ है? जो बी क्रॉस सी आएगा बच्चा लोग, वो कहाँ पे आएगा? ऊपर, ऊपर की तरफ। बात समझते हो? यस सर। अच्छा, अगर बेटा ये बी क्रॉस सी है, तो अब जरा लॉजिक देखिए, क्या मैंने आपको बताया है कि बेटा एक प्लेन पे आप वेक्टर को शिफ्ट करा सकते हैं? बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू सी, बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी, एंड सिमिलरली बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए, ए वेक्टर सेम प्लेन पे लाई करता है। बात सर, अब बात ये सर, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहाँ मिलेगा? ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, ये किसका लाइन है? बी क्रॉस सी का, बी क्रॉस सी। लेकिन हमको तो ढूंढ रहा सर ये लाइन है, ये किधर मिलेगा सर? अब ये बताओ, जरा सोचिए कहाँ पे मिलेगा? इन दोनों के बीच में मिलेगा ना? हाँ, पक्का ए क्रॉस बी क्रॉस सी? हाँ सर, बी क्रॉस सी और ए वेक्टर के बीच में। अब जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, ये सेम लाइन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कराया। मुझे एक ऐसा लाइन सोचना पड़ेगा जो इनके परपेंडिकुलर हो। बात समझते हो मैं क्या बोला? ये ब्लू लाइन है, ये बी क्रॉस सी का है, लेकिन मुझे बी क्रॉस थोड़ी, बी क्रॉस थी सी थोड़ी, मुझे ए क्रॉस जेड एक्सिस की तरह आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये फोटो है बेटा, मैं जरा इसका स्क्रीन बना लेता हूँ, ये जो फोटो है ना, इसको जरा मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सर ये रहा, ये कौन सा लाइन है बच्चा लोग? बी क्रॉस सी। अब मुझे एक ऐसा लाइन ढूंढना है सर, ये जो इन पे परपेंडिकुलर हो, तो आपको लग रहा है सर ये अलोंग द प्लेन ही आने वाला है? यस सर। बेटा ये अलोंग द प्लेन ही, 90 डिग्री बनाना यार, अलोंग द प्लेन बनाओ जी। अब अलोंग द प्लेन बनाओगे तो कैसा बनेगा? जेड एक्सिस की तरह कुछ ऐसा बना लो सर, आपकी मर्जी, ऐसा बना लीजिए। अब मान लो ये जो रेड वाला लाइन है, कल के दिन ए वेक्टर होता, तो रेड वाला लाइन कुछ ऐसा बनता, बनता तो अलोंग द प्लेन ही ना। हमारा कंक्लूजन क्या है कि सर ये जो है ना ए वेक्टर, सुनिएगा ध्यान से, मजेदार चीज क्या है, अगर आप सोच पा रहे होगे ना तो आपको मजा आ रहा होगा ये चीज के कि सर पहले हमने दो वेक्टर कंसिडर किया था बी क्रॉस सी, जैसे ही हमने उनका परपेंडिकुलर निकाला, वापस भेज दिया प्लेन से बाहर। देख रहे हो, ये प्लेन पे लाइन नहीं कर रहा, अभी प्लेन से बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने किसी दूसरे वेक्टर से इसका क्रॉस निकाल दिया, ये वापस प्लेन पे आ गया। नहीं सर, यस सर, समझ गए। वेक्टर है कौन सा है? ए
क्रॉस बी क्रॉस सी। देवा समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। इसको क्या लिख सकते हैं? अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन, प्लेन इस पे लाई करेगा वो बेटा। किसी को इस बात से डाउट? मैं जो सर मुझे ना वो जो क्वेश्चन आया था ना रूट स्क्वायर वाला, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कौन सा रूट वाला बेटा? स्क्वायर वाला आया था ना, होल का स्क्वायर, वो वाला। ये वाला? हाँ ये वाला ही। ये वाला नहीं समझ में आपको? नहीं आ रहा बेटा। ये डब्बा क्या बनेगा? चलिए एक काम करो, आपको एक टास्क दे रहा हूं ना, आप इसी वेक्टर का इन सब से डॉट निकाल लीजिए। ठीक है तो कर लोगे ना? एक हाँ, कर लेंगे। बेटा जैसे ही आप इसका डॉट निकालोगे ये क्या बन जाएगा? ये जीरो। वैसे ही आपको सिर्फ दो मिलेंगे, एबीसी बचने वाला है, पूरे कहानी में एबीसी बच जाएगा। और मान लीजिए कि जब आप इसका बी से निकालते तो बेटा क्या बचता? इसका तब भी तो एक जगह पे जीरो बनेगा। हाँ जी। अब बताइए जरा, ए बी का सी से निकालते तो क्या बनता? एबीसी। हाँ, एबीसी। अगले सी से एबीसी। इधर से क्या निकालते तो क्या बनता? फिर से एबीसी। पूरा ओवरऑल क्या हो गया? एबीसी का होल स्क्वायर। वही प्रूफ करना है। हाँ जी। ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, ओपन करके देखिएगा। ओके। और कुछ डाउट नहीं है ना? ये सबसे ज्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस मजेदार है। मजेदार ये कि सर पहले मैंने दो वेक्टर सोचा, मैंने इनका क्रॉस लिया, प्लेन से बाहर भेजा, फिर मैं एक प्लेन पे दूसरा वेक्टर सोचा, और वो वेक्टर पे जैसे मैंने उसको परपेंडिकुलर कराया वो वापस अलोंग द प्लेन ला दिया उसको। बात समझ में आया? और ये क्या है? ये क्या है बेटा? अब कहानी को थोड़ा और विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं बेटा। बी क्रॉस सी ये वैसे वेक्टर्स हैं जो प्लेन के नाम पे इनको ही बोला गया था। मालूम है ना आपको, टू वेक्टर्स ऑलवेज को प्लानर। यस सर। हमेशा याद रखो, दो वेक्टर्स एक प्लेन फॉर्म करेंगे ही करेंगे। तीसरा वेक्टर जब कहानी में आता है तो हमको चेक करना पड़ता है कि सर ये कोप्लानर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तीसरा वेक्टर इस पे आ भी सकता है और इससे बाहर भी जा सकता। लेकिन दो वेक्टर क्या है सर? फ्री वेक्टर्स हैं, कहीं पे भी प्लेन पे आके बिठा दीजिए उसको। समझ में आया मेरी बात? यस सर। हां जी बेटा बोलिए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, वो बी से भी परपेंडिकुलर होता क्या? ये वाला बोल रहे हो? बी से? हाँ बी से। ना बी से नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ये अलोंग द प्लेन आ गया। Yes, sir. ये along the plane आ गया बेटा, और कुछ नहीं। ये किससे perpendicular है मालूम है आपको? B cross C और A से। हाँ। अगर आप बोलोगे ना तो B cross C से perpendicular। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये separately B से perpendicular और separately C से perpendicular है, ऐसा नहीं है। Yes, sir. समझे? बेटा क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. मैं जरा एक एक करके पूछ लेता हूँ बेटा, ये कौन था? नॉर्मल। इसका नॉर्मल जिसके नाम पे हमने प्लेन को फॉर्म किया था बी क्रॉस सी। ये कौन है? ये कौन है? एक ऐसा वेक्टर कहीं पे था सर। जब इनका नॉर्मल और एक दूसरे प्लेन के वेक्टर को मैंने क्रॉस निकाल दिया तो जो ओरिजिनल नॉर्मल आया वापस से वो अलोंग द प्लेन आ गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़ा इस कहानी को समझ यहां से एक रिजल्ट निकलता है, चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद तो रखना पड़ेगा। रिजल्ट ये निकलता है बच्चा लोग, रिजल्ट निकलता है। वैसे रिजल्ट निकालने से पहले मुझे जरा इसको देख लीजिए, ये क्या बन रहा है सर? इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए और फोटो बनाने की कोशिश कीजिए। इफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन्स कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी एंड सी एंड डी आर परपेंडिकुलर, सोचिए सोचिए जरा इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस आपको सोचना है। फोटो बनाइए एक बार, जैसे फोटो बनाओगे कहानी आपको पता चल जाएगा, बाकी का मैं समझाता हूं आपको। सब लोग फोटो बनाएंगे, ए बी सी डी अलोंग द प्लेन लीजिए, क्रॉस बनाने की कोशिश कीजिए, बाद में जो परपेंडिकुलर बोल रहे हैं मतलब नॉर्मल बनाने की कोशिश कीजिए आप। टाइम आपको एक मिनट का देता हूं। Done? एक बात बताइए बेटा, अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्या जीरो होता है? डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है? डॉट प्रोडक्ट।
डॉट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी जीरो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट यार साइन 90 हो जाता है, साइन 90 होता है। हां जी, फोटो बना लिया आप लोगों ने? बनाया तो यस सर। कैसा फोटो बनाया आपने? प्लेन yes, बनाया था। हां पहले प्लेन बनाया, मान लीजिए ये मैंने इलिप्स सोच लिया। भाई साहब आप जरा प्लेन बनिए। हां जी प्लेन सोच लिया आपने। प्लेन सोचने के बाद आपको दो दो वेक्टर्स बने रहेंगे। ये दो वेक्टर के बेटा पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ये दो वेक्टर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है। तो मैं मान लिया सर कि ये जो दो वेक्टर्स है कुछ ऐसा पड़े रहेंगे प्लेन पे। लिखा है ना कि इफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन्स, प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी एंड सी एंड डी, मतलब जो प्लेन है बेटा चारों वेक्टर को अपने आप पे रखते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर ए बी को रख रहा है प्लेन तो फोटो कुछ ऐसा आएगा। दूसरे कलर से बना देता हूं। मान लीजिए ए बी वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसा, बी वेक्टर ऐसा, तो इनका जो परपेंडिकुलर होगा बेटा, कितने लोग समझ पा रहे हैं सर, इनका जो परपेंडिकुलर कुछ यू आने वाला है। यस सर। हां जी समझ गए सर। तो बेटा ये कौन है, जरा ब्लू वाला लाइन का बोलिए ये कौन है, कितने लोग समझ पा रहे हैं? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब आगे सोचिए कि दो वेक्टर और लाई कर रहे हैं, कौन है उनका नाम? सी क्रॉस बी वेक्टर। ये भी तो सर प्लेन पे ही होंगे ना कहीं ना कहीं। यस सर। इधर पड़े, मान लेते सर यहाँ पे पड़े। अब ये पड़े तो बेटा इनका कहाँ पे भेजेगा? इनका भी ऊपर करेगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, अब देखिए आपके दिमाग में दो परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, पैरेलल हैं, पैरेलल। सोचिए जरा, पैरेलल हो जाएंगे। रुकिए पहले ध्यान दीजिए बेटा मेरी बात को सुनिए। लिखा है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स कंटेनिंग ये एंड ये आर परपेंडिकुलर। आगे सुनिए, अभी आप फोटो बना रहा हूं उसके बाद आपको समझ, अभी तो पैरेलल करके उड़ रहे होगे सर, हो गया हो गया बेटा। आगे समझो, सामने वाला दिया है कि जो वेक्टर्स इनके ऊपर परपेंडिकुलर है वो खुद में भी परपेंडिकुलर है। yes, पर वैसे तो हम एक वेक्टर सोच पा रहे हैं कि सर ये सी एंड डी पे ये परपेंडिकुलर है। जरा नाम लिख देता हूं, ये भाई साहब है ए और ये है बी वेक्टर। yes, और एक और वेक्टर अपना आ रहा था, वो उसका नाम क्या है, सी वेक्टर है, वेक्टर एंड डी। और बेटा ये व्हाइट वाला कौन सा लाइन है? सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी। अब क्या हमारा फोटो सही है? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सर ये जो वेक्टर्स जो आ रहे हैं, जो इन वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, वो पैरेलल आ रहे हैं। हमको एक ऐसा वेक्टर सोचना है जो इन पे ही परपेंडिकुलर हो। बात समझे कि नहीं? यस सर। मतलब सर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर कब बनेंगे, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर कब बनेंगे? फोटो कैसा आ सर? अलोंग द वेक्टर, अलोंग द प्लेन सर। हां जी बोलिए। एक वेक्टर को अलोंग द प्लेन कर देंगे, जैसे पिछली बार जेड एक्सिस में है वैसे करके। परफेक्ट। एक वेक्टर को कैसा लेना पड़ेगा बेटा? अलोंग द प्लेन लेना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा आइडिया मालूम है क्या है? दूसरा आइडिया क्या है? अपोजिट कर देंगे उस एंगल को। अपोजिट करोगे तो बेटा कोलिनियर बन जाएंगे, वो भी नेगेटिव होंगे लेकिन कोलिनियर होंगे। आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा कि सर ये जो व्हाइट वाला वेक्टर, इसको आप अलोंग द ये लीजिए, प्लेन लीजिए, अलोंग द प्लेन लीजिए। ओके, मैं यहां पे ले लेता हूं, ऐसा लेना पड़ेगा आपको। समझे? अगेन मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इससे परपेंडिकुलर हमारा मैटर करता है, क्योंकि सामने वाला बोल के रखे कि उसे परपेंडिकुलर करना है आपको। तो कुछ ऐसा बनेगा डायमेंशन में फोटो की जो इनके परपेंडिकुलर होगा, एग्जैक्टली 2D प्लेन पे बनाना। हाँ जी बोलिए। पर सी एंड डी से भी तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। कौन? ए क्रॉस बी तो है ही ना सर, सी एंड डी से परपेंडिकुलर तो है ही ना बेटा, सी क्रॉस डी सर। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसका फोटो 2D पे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है हो जाए। समझे? विजुअलाइज करना ये 2D प्लेन पे थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, मैं मानता हूँ। ये पैरेलल आ रहा है लेकिन सामने वाला क्या बोला है, परपेंडिकुलर। लेकिन इतना तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो जीरो आएगा। तो बता सकते हैं ना आप लोग कि सर हाँ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट किसका निकालोगे आप? ये दो नॉर्मल्स का, ये दो क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। परफेक्ट। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी। इसको कैसे सॉल्व किया जाए सर? ये तो बहुत ही बेकार चीज है, सोचिए जरा। सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी। मैं आपको प्रूफ का आइडिया दे रहा हूं सर,
हाँ जी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ना 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 मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है बेटा, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है, दिया ही नहीं है, अगर कुछ दिया रहता तो हम इक्वल, हम अलग से सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने आपको बताया लैम्डा किधर है। हाँ जी अपने को लैम्डा फाइंड आउट करना, इधर 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 पड़ा है। अरे तो सर फिर डायरेक्टली निकाल दे सकते हैं ना ए क्रॉस बी? बिल्कुल 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 ले सकते हैं आप, कि आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए यहाँ से, समझो बेटा ध्यान से, ए क्रॉस बी निकाल लोगे, सी क्रॉस डी निकाल लो, कैसा डब्बा बनाओगे इनका बेटा? ये वेक्टर ही आएगा ना आईजी के डब्बे में बनाओगे। ये तरीका समझा रहा हूँ, देखिए अगर बोर्ड लेवल पे सोचना है तो ऐसा सोच सकते हैं, सर इनका डब्बा बनाएंगे और फिर इनका डब्बा बनाएंगे सी डी का, वेक्टर्स आएंगे बाद में उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा इक्वल टू जीरो करने के बाद, अग्री करते हो कि नहीं? स्मार्ट तरीका, आप याद कर लो इसका रिजल्ट क्या आता है। करने का तरीका वो है कि ए बी यहाँ पे रखिए, पहले आईजी के रखोगे, फिर ए का कोएफिशिएंट, फिर बी का कोएफिशिएंट सॉल्व कर लेना, फिर आईजी के रखोगे, सी का कोएफिशिएंट और डी का कोएफिशिएंट सॉल्व कर लेना, दो वेक्टर आएंगे। क्यों वेक्टर आएगा सर? क्योंकि बेटा ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये तो ऑलवेज वेक्टर आंसर देता है आपको, स्केलर आंसर कौन देता है? डॉट प्रोडक्ट। अब क्या कीजिए आप, कि एक तरीका तो सर ऐसा हो गया, दूसरा तरीका ये कि आप रिजल्ट याद कर लो। रिजल्ट कैसे याद करेंगे सर? रिजल्ट ये मैं आपको रिजल्ट याद करने का एक बता रहा हूं कि सेम पोजीशन वाले का डॉट निकालिए। मैंने क्या बोला? सेम पोजीशन का डॉट माइनस मिड कॉर्नर का डॉट, मिड कॉर्नर का डॉट निकालिए। सेम पोजीशन मतलब बेटा कि पहले का पहला दूसरे का पहला, डॉट पहले का दूसरा दूसरे का दूसरा, तो कौन पार्टी आने वाला है बताइए जरा? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर चमका। Yes, sir. फिर कितने लोगों को चमक गया सर? बी 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 डी चमका, पहले का पहला दूसरे का पहला, दूसरे का पहले का दूसरा, दूसरे का दूसरा, फिर मीड कॉर्नर। yes, sir. मतलब बीच वाले के साथ, साइड वाला साइड वाले के साथ। कौन सी पार्टी आने वाली है सर बताइए? माइनस के बी सी क्रॉस डी, बी क्रॉस सी, अगर कोई बच्चा सी डॉट बी भी करना चाहे तो कर ले भाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। समझ में आया? तो इसका आंसर इक्वल टू क्या करना है? परपेंडिकुलर है, इस करके हम क्या कर देंगे बेटा? जीरो आंसर हमारा आ जाएगा। नाउ डू वन थिंग, बी डॉट सी कोई मेरे से पूछेगा नहीं सर कितना आने वाला है। क्यों सर? ये कौन सी बात हुई, इधर रहा ए और इधर रहा सी, तो क्या आप ए डॉट सी बता पाएंगे? यस सर। टू लैम्डा माइनस टू लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा, दिखा प्लस लैम्डा, टू लैम्डा दिख रहा है बेटा? ऐसा ऐसे सोचो जरा, टू लैम्डा। यस सर यस सर। और बी डॉट डी कीजिए, बी डॉट डी कीजिए ऐसा। ये तो प्योरली बेचारा अच्छा खासा नंबर आ रहा है, इसमें लैम्डा तो आ ही नहीं रहा है, लैम्डा तो उसमें आ रहा था। हाँ गारंटी है क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है क्वाड्रेटिक बनेगा, लैम्डा के दो वैल्यूज आएंगे, लैम्डा के दो वैल्यूज आएंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, कर लोगे? यस सर यस सर। पक्का? यस सर। तो वेक्टर हो गया खत्म सर, एक मिनट ऊपर करना इसका दूसरा आइडिया सोचे ना बेटा कैसा है। ये रहा ये ऐसा बनाइए, सॉल्व कीजिए, डब्बा बनाइए सॉल्व कीजिए, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। डब्बा बनाएंगे फिर क्या करेंगे उसके बाद? ए क्रॉस बी आपको नहीं निकालने आएगा, मान लीजिए आपको ए वेक्टर दिया, ए क्रॉस बी ना निकालेंगे उसके बाद? ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे आप? आईजे के, आईजे के करके, आईजे के माइनस वन लैम्डा, लैम्डा वन माइनस वन लैम्डा टू के माइनस वन, सर उधर सर इधर, अच्छा हाँ ठीक है। और ये ए क्रॉस बी निकाल लिया बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में एक क्रॉस बी निकाल निकाल के बूढ़े हो गए। आपको बोला ना पीछे वाला नॉलेज यूटिलाइज होगा, बाकी वेक्टर प्रोडक्ट कुछ है नहीं। दो रिजल्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको सिखा दिया कि आप क्रॉस प्रोडक्ट को लिखोगे कैसे। तो पहला कौन सा था कि 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1.2.3, खत्म कहानी। फिर ये वाला है एक रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट ऐसा होता है। ये रिजल्ट क्या होता है बेटा कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू सेम पोजीशन माइनस मिड कॉर्नर, खत्म का। सेम पोजीशन मतलब पहले का पहला डॉट दूसरे का पहला, फिर पहले का दूसरा डॉट दूसरे का दूसरा, माइनस मिड कॉर्नर बीच वाले के साथ, फिर साइड वाले के साथ। सर अगर वैसा दिमाग में नहीं आया तो बेटा डब्बा बना लो इधर, हां जी बूढ़े हो गए 12th में जाके,
है कि नहीं, खत्म कर दिया no, सर। समझ में आ गई कहानी कि नहीं? आ गई सर। yes, sir. Yes, sir. आपका बाकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर सवाल चाहिए रहेंगे आप मेरे से बोल दीजिएगा, अपन दे देगा। yes, sir. दे देना है। दो चार सवाल दे दूंगा, बाकी कुछ खास इसमें जरूरी नहीं है, दो चार बनाइए, खुश हो जाइए।